प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। हमारे सीकर के सांसद बाबा सुबेदानंद सरस्वती तो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते। उनके सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जिनमें वो ये कहते सुने जा सकते हैं, लेकिन अब वही बाबा अलवर के राजगढ़ में मूर्ति टूटने के मामले में भाषण देने आए हैं। उनको बीजेपी ने समिति का अध्यक्ष बनाया है। दूसरे बाबा बालकनाथ जिनका चेला चेयरमैन है, और तीसरे बाबा किरोड़ी लाल जिनकी यहाँ बिल्कुल भी दाल नहीं गली। ये कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। अलवर में स्थानीय प्रशासन द्वारा 300 साल पुराने शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों एवं मकानों पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत गर्माई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, शनिवार को अलवर के राजगढ़ पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस टीम में सुबेदानंद सरस्वती, विधायक चंद्रकांत मेघवाल और नेता राजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता शामिल थे। अब बीजेपी की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा। सोमवार को अलवर में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए अलवर पहुंचे डोटासरा ने मंच से कहा कि अलवर में राजगढ़ के अंदर नगर पालिका में भाजपा का वोट, भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने निर्देश दिए, भाजपा का वहां का ब्लॉक अध्यक्ष बार बार लिख लिख के दे रहा है, भाजपा की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी की उसका प्रस्ताव दिया हुआ है, भाजपा के तमाम पार्षद और वहां का चेयरमैन तोड़फोड़ कराने में है, और तीन बाबा चार दिन बाद आप बाद में आकर के यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। तीन बाबा ये ना, एक तो सुबेदानंद जी हमारा सांसद, एक आपका बालकनाथ, अरे किरोड़ी बाबा वही अपने आप को बाबा ही कहलाता है। अब किरोड़ी जी के तो क्या आपकी बात दाल गली, उनके क्या है कि यहाँ ये जो बीजेपी वाले हैं ये भी खिलाफ है कि उन्होंने तो दूसरी पार्टी से राजपा से चुनाव लड़ा था, तो ये सतीश क्या है, पुलार है, क्या नाम है, ये इसके खिलाफ था, इसलिए ये कह रहा है गलती तो हमारे बड़ों से भी होगी, और फिर उसका हेड बना दिया सुबेदानंद जी को, तो वैसे भी उनकी दाल नहीं गल रही। वो तो मोदी जी और अमित शाह से सीधा कॉन्टेक्ट रखने वाले लोग हैं, वो तो भाजपा के कार्यालय में भी थोड़े दिन पहले एंट्री मिली है मोदी जी के और अमित शाह के कहने से, मैंने भी इस दिन पहले सभी पुनिया जी तो उनको वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं देते थे आप सबके सामने, तो बाबा जी तो वैसे उनकी दाल की बात राजगढ़ वाले प्रकरण में गली थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दो बाबा, एक आपका बाबा एक हमारा बाबा, आपके बाबा की क्या स्थिति है, महिलाओं ने चूड़ियां पहनाती, आप बताओ कि चूड़ियां पहन जाओ आप तो जाओ, आप तो किसी काम के नहीं हो, आप तो निकम्मे हो, किसी तक कोई आप पे विश्वास नहीं है, आप ही ने तो तुड़वाया, आपके बोर्ड ने तुड़वाया, ये चेला है आपका यहाँ का अध्यक्ष। डोटासरा ने आगे कहा कि हम राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में जरूरत के अनुसार कार्रवाई करेंगे, इस पूरे मामले में जो कोई भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए हमने जयपुर के स्तर पर 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है। अब कुछ दिनों वे सदस्य इस मामले की रिपोर्ट हमें देंगे, उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा अपने वाले बोर्ड नेताओं के खिलाफ कुछ तो एक्शन ले, भाजपा के नेता जहर घोलने के अलावा कुछ काम नहीं करते, भाजपा को सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना आता है, जिससे जनता को कोई भला नहीं होने वाला, जनता को बांटना और लड़ाने वाला हथियार ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, अब जनता समझने लग गई है, ये महंगाई कम करने का वादा कर सरकार में आए, अब इनके राज में महंगाई पहले से डबल हो चुकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो
जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।